फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स नरेला के अंदर डीडीए के फ्लैट्स खरीदने वाले लोग, वहाँ पे रहने वाले लोग और आसपास के लोग काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेट्रो का क्लियरेंस जल्द से जल्द मिल जाए, यानी कि रिठाला से बवाना नरेला होते हुए जो मेट्रो रूट है उसका क्लियरेंस जल्द से जल्द मिल जाए, ऐसा वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यह इंतज़ार आज का नहीं है, कई वर्षों का है। डीडीए जब भी अपनी कोई भी हाउसिंग स्कीम लेके आता है नरेला के अंदर, तो वहाँ पे अपने ब्रोशर में लिखता है कि मेट्रो प्रोजेक्टेड हर बार यही लिखता है, लेकिन फिलहाल मेट्रो का कोई आता पता नहीं है। अभी लास्ट ईयर ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस रूट पे चलने वाली मेट्रो को कुंडली तक ले जाने की बात कही थी, ऐसा डीएमआरसी ने बोला था। रिठाला से बवाना नरेला होते हुए कुंडली तक जो मेट्रो जानी है वह डीएमआरसी के फेज 4 का प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स रिठाला से बवाना नरेला होते हुए कुंडली तक जो मेट्रो कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन करना है, जो इसको क्लियर करना है, उसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि अब इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को एक प्लान लॉन्च किया था। प्लान का नाम था पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। और पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का मेन मोटो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी इंडियन बिजनेस की कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए अलग अलग इकोनॉमिक जोन लाइक फार्मास्यूटिकल क्लस्टर हो गया, टेक्सटाइल क्लस्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रीज कॉरिडोर की मैपिंग की जा रही है फॉर इंटीग्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए। अभी हाल ही में पीएम गतिशक्ति प्लान के तहत नेशनल प्लानिंग बोर्ड की एक मीटिंग हुई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ऐसा बोला है कि जो मेट्रो रूट है नरेला वाला, रिठाला से बवाना होते हुए नरेला होते हुए कुंडली तक का, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की होगी और इस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया जा रहा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 10 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण है। आप यहाँ पे देखेंगे एनसीआर व बेंगलुरु के दो मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक होंगे। आप यहाँ पे देखिए डीएमआरसी के तहत रिठाला बवाना नरेला कुंडली पर भी काम तेज। अब एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने एनसीआर और बेंगलुरु की दो अर्बन ट्रांजिट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया है। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत नेशनल प्लानिंग बोर्ड की बैठक में मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के साथ ही उसे बस और रेलवे स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में एनसीआर क्षेत्र में डीएमआरसी के तहत रिठाला बवाना नरेला कुंडली और बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 3 का बीड़ा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उठा लिया है, ताकि इन इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो और ईंधन की बचत करने के साथ प्रदूषण को भी कम किया जा सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 65 नेशनल प्लानिंग ग्रुप के तहत इन परियोजनाओं का मूल्यांकन हो रहा है। जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन हो चुका है उसमें गोवा, मेघालय और असम के राजमार्ग परियोजना शामिल है। तो फ्रेंड्स ये नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़ से तो यही क्लियर हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, लेकिन फास्ट ट्रैक तो तब किया जाएगा ना तब इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा, शायद अप्रूवल के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। अभी तो ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर वगैरह कंप्लीट भी हुई है या नहीं, क्योंकि पहले यह प्रोजेक्ट जो था नरेला तक का था, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड किया गया कुंडली तक, तो शायद नई डीपीआर बननी चाहिए थी, वो भी बनी या नहीं बनी ये भी अभी कुछ ऐसा क्लियर है नहीं। नरेला मेट्रो रूट से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक डीएमआरसी का आरटीआई भी दिखाया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे डीएमआरसी ने रिप्लाई दिया है कि जो नरेला रूट तक की मेट्रो थी, यानी नरेला तक की जो मेट्रो थी उसका डीपीआर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब इसे कुंडली तक किया गया है, तो कुंडली तक का डीपीआर अभी अंडर प्रोसेस है। तो देखते हैं कभी डीपीआर कंप्लीट होता है, यदि इसको फास्ट ट्रैक किया गया है तो डीपीआर भी जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना गियर अप हो सकता है। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।